गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब ये जितने लोग अपना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठे हैं, कैमरे अपने अपने चालू कर लीजिए। क्यों उत्तम, कैमरा क्या बंद कर देते हो? सर चुल चुल कटाए सर, पूरा मतलब अभी नया है सर इसलिए। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई देख नहीं लेगा तुमको। कैमरे पर रहोगे तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बच्चे ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ सर, हाँ, तो अपने अपना अपने अपने कैमरे जरा चालू रखा करिए, और ताकि हमको भी पता चलता रहे कि हमारे ही बच्चे हैं मौजूद। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कैमरा कोनो दूसरा पड़ रहा है हमसे। हाँ, इसलिए कैमरे पे जरा अपना हुस्न जो है वो दिखाते रहा करो। अब किसी और को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो आप कराए सर, ये sam.com में आईडी बनाया ना सर, ये तो आईडी मेरा भी बना हुआ, मगर ये फ्री में और पेड सर्विस में दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, जब आप फ्री वाला रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी डाउनलोड स्पीड जो है वो मैक्सिमम 500 kbps के ऊपर नहीं जाएगी, और अगर आप पेड वाला करेंगे तो आपकी नेट की जितनी रफ्तार होगी उस रफ्तार से फाइल डाउनलोड होगी। Okay, अब विश्वकर्मा जी ने अपना मिराकल शेयर किया है, सवाल तो पहले पूछिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। सर माइक्रोमैक्स का वो Q4 से 2+ है सर, तो सर उसकी FRP हटानी है सर। नहीं हटेगी। क्यों सर? Q4 से 2+ आप सेट के पीछे देखिए, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार का लोगों को बना है कि राजस्थान सरकार का लोगो बना है। अपने मोबाइल के बैक कवर पे देखिए, 100% किसी ना किसी का लोगो बना होगा भारत। आप मोबाइल को ऑन करिए, देखिए सरकारी कौन सा लोगो बन के आ रहा है। नहीं, सरकारी नहीं है सर, लोगो बन के नहीं आ रहा है। अगर लोगो वालों ने दिया सर, ये जियो वालों ने बेचा है सर, सरकारी नहीं है। जियो ऑफिस से, जियो ऑफिस से बिका है, सरकारी नहीं है, कन्फर्म है। एक बार फोन ऑन करके ऑफ करके ऑन कीजिए। बिल्कुल सर। माइक्रोमैक्स के लोगों के पास बताइएगा, लाल रंग की स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर, एंड्रॉइड लिखा हुआ आ रहा सबसे पहले तो जैसे ऑन होता है वैसा। हाँ नहीं, एंड्रॉइड लिखने के बाद लाल स्क्रीन हो रही है थोड़ी देर बाद कि सीधे मेन स्क्रीन आ जाएगी? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा सर, मेन स्क्रीन आ रही सर, माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आया सर। ठीक है, तो आप फोन को रिकवरी मोड पे लेके जाइए, ऑफ कर लीजिए बैटरी निकाल के, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस और पावर बटन से ये फोन रिकवरी पे जाएगा। वॉल्यूम प्लस से जाएगा या वॉल्यूम माइनस से जाएगा, फोन को रिकवरी मोड पे ले जाइए कि जैसे आपको फॉर्मेट करना हो। ओके सर। क्योंकि अगर ये फोन सरकारी वाला है तो इसकी FRP आपको मैनुअल करनी पड़ेगी इसका ओरिजिनल सिम लगा करके, लेकिन अगर सरकारी वाला नहीं है तो इसकी आप FRP कर सकेंगे। जियो की सिम लगा दी सर मैंने, दूसरी वाली चल गई सर उससे। तो फोन चालू हो गया पूरा? पूरा चालू हो गया सर, मैंने फॉर्मेट भी मार दिया था रिकवरी में जाके, तो वो FRP पे है अभी। ठीक है, आप मेन आप रिकवरी मोड की स्क्रीन डालिए। ओके सर, डाल रहा हूँ। सरकारी मतलब ये फ्री दिया गया था क्या सर? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था अपने कर्मचारियों को अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अब ये अगर जैसे स्कूल के अध्यापक हैं तो उनको स्कूल में जा करके बच्चों के साथ फोटो खिंचा के सेल्फी भेजनी होती है, अगर सेल्फी नहीं भेजेंगे तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर मैंने रिकवरी मोड में आ गया हूँ सर, क्या करना है आगे? रिकवरी मोड पे देखिए, एक ऑप्शन होगा रिबूट टू बूट लोडर। हाँ सर है, उस पे जाइए। चले गए सर। ओके करिए। कर दिया सर। आपकी स्क्रीन बंद हो गई होगी? नहीं सर, अभी हो रही है, थोड़ा स्लो है। स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पे फास्ट बूट मोड लिख के आ जाएगा। ओके, बंद हो गई सर।
देखिए फास्ट बूट मोड लिख के आया, आ गए सर। अब अपना यूएसबी केबल लगाइए। यूएसबी केबल लगा ली सर। डिवाइस मैनेजर ओपन कीजिए, देखिए ये क्या नॉट रिकॉग्नाइज लिख के आ रहा कोने में। एक मिनट, ये देखिए नॉट रिकॉग्नाइज लिख करके आया है। इसका मतलब है कि या तो आपकी केबल सही से नहीं लगी है या आपके फोन का कनेक्टर खराब है। दोबारा से केबल निकाल करके लगाइए। लगा दी सर। अब ये देखिए एंड्रॉइड बूट लोडर का ड्राइवर लिया है, एडीबी का ड्राइवर लिया है। अपना डिवाइस मैनेजर खोलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे ड्राइवर लेता है। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज करिए। ऊपर साइड देखिए एंड्रॉइड फोन लिख के आ रहा सबसे पहला नंबर ऊपर, रोशन पीसी के नीचे लिखा आ रहा है। हाँ, इस पे एरो पे क्लिक करिए तो नीचे दिखाएगा, देखिए ड्राइवर ले चुका है। एडीबी बूट लोडर इंटरफेस ले लिया इसने, ये ड्राइवर ले चुका है। अब मिराकल पे आइए। हाँ सर। यहाँ पे एसपीडी की जगह एंड्रॉइड पे क्लिक कीजिए, एंड्रॉइड। ओके सर, कर दिया। एंड्रॉइड पे क्लिक करने के बाद फास्ट बूट पे क्लिक करिए, नीचे देखिए फास्ट बूट, ऊपर 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 भैया ऊपर देखिए होम, एडीबी, एडीबी एक्स्ट्रा, फास्ट बूट एक्स्ट्रा सब लिखा है। एक सेकेंड सर, फास्ट बूट एक्स्ट्रा। अब बगल में फास्ट बूट पे आइए। ओके सर। यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव एफआरपी यूनिवर्सल, सेकंड लाइन में नीचे से फिफ्थ ना फोर्थ नंबर, सेकंड सेकंड में, सेकंड रो में, नीचे 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 नॉर्मल के बगल में एफआर रिमूव एफआरपी यूनिवर्सल लिखा हुआ है। जी सर। हाँ, टिक लगाइए। लगा दिए सर। स्टार्ट पे क्लिक करिए। कुछ सेकंड का वेट करिए। जब तक मिराकल कोशिश कर रहा है, मिराकल को कोशिश करने दीजिए। मिराकल कोशिश कर चुका। फोन देखिए रीस्टार्ट, फोन देखिए रीस्टार्ट हुआ आपका। विश्वकर्मा जी फोन आपका रीस्टार्ट हुआ, चेक करिए। ये दोबारा क्यों कर रहे हो सर? आपने बोला। मैंने कहा बोला, मैंने कहा देखो फोन रीस्टार्ट हुआ। नहीं, फोन रीस्टार्ट नहीं हुआ सर, फास्ट फूड में ही अटका हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक बार इसको डन हो जाने दो। अब केबल डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ओके सर। बैटरी निकाल करके ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखिए। ठीक है। और तब तक ब्राउजर जरा खोल दीजिए, एक टूल आपका और एक नया डाउनलोड करवा देते हैं। यहाँ पे गूगल, यहाँ पे लिखिए फास्ट बूट रीसेट टूल, FASTBOOT, फास्ट बूट फिर रीसेट फिर टूल। फास्ट फास्ट बूट रीसेट टूल, रीसेट फोन, रीसेट टूल, ये नाम नीचे लिख के आ गया पूरा। ओके सर। अब एक सेकंड रुकिएगा, फिर जिसमें बोले उसमें जाइएगा। ये सेकंड वाले लिंक पे आइए। हाँ, नीचे ग्रीन वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। प्राइमरी डाउनलोड, सर कुछ मैसेज आया? कहाँ मैसेज आया?
इस पे क्लिक करिए, ये डाउनलोड वाले, गो टू डाउनलोड पेज पे जाइए, डाउनलोड पेज पे जाइए, वहां पे कीप करना होगा। ब्राउजर का डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, एक सेकंड सर देख, यहाँ पे इसको कीप कर, यहाँ कीप करिए, कीप डेंजरस फाइल, कीप एनीवे, अब शो इन फोल्डर कर दीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट कराइए जो फाइल अभी डाउनलोड होकर के आई है। एक्सट्रैक्ट कराइए इसको, एक्सट्रैक्ट टू सेपरेट फोल्डर, राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट टू सेपरेट फोल्डर, ये तो यूएसबी ड्राइवर आया है भाई, सॉरी सर, जो जो अभी सेटअप एक्सट्रैक्ट कराने के लिए बोला उसको तो एक्सट्रैक्ट कराओ, हो चुका है सर। हाँ तो यस टू ऑल करिए, इसी नाम से, इसी इसी नाम से तो फोल्डर आएगा जहां पे भी जाएगा सर, ढूंढ रहा हूँ एक सेकंड, वो ऊपर गया सेकंड लाइन में टॉप पे, मिल गया सर जी। हाँ ये भी आपका टूल है, ओके सर, टूल है, अगर कोई भी आपका स्पेक्ट्रम आईसी वाला फोन आता है तो उसको आप ऐसे ही जैसे फास्ट बूट मोड पे भी मैंने आपको डलवाया था, हाँ हाँ, वैसे ही फास्ट बूट मोड पे ले जा करके 9 नंबर देखिए लिखा हुआ है, 9 नंबर इस टूल पे, 9 नंबर इस टूल पे 9 नंबर दबा के एंटर मार देंगे तो फास्ट बूट से फोन आपका रीसेट होके एफआरपी खत्म हो जाएगी। ओके थैंक यू, ये टूल फ्री टूल है, 2 MB का टूल है, बहुत गजब का टूल है, 90% स्पेक्ट्रम फोनों की एफआरपी विद इन अ सेकंड इससे चली जाती है, 90% मोबाइल की एफआरपी इससे चली जाती है विद इन अ सेकंड, आपको कोई भी टूल की कोई जरूरत नहीं है। मिराकल वाला एक बार यूनिवर्सल मेथड मिस कर जाएगा लेकिन ये मिस नहीं करता है, अगर ये टूल मिस कर रहा है एफआरपी हटाना तो फिर आपको स्पेक्ट्रम फ्लैश ही करना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा। अभी आपके फोन की क्या पोजीशन है, फोन चालू हो गया होगा, देखिए एफआरपी खत्म हुई कि नहीं हुई सर, एक सेकंड ऑन हो रहा है, वो लेट टाइम दे रहा है। मॉडल कौन सा था ये, 402 सर, ये क्वालकॉम का भी हटाता है, हाँ इसमें कुछ मॉडल क्वालकॉम के भी, पूरी लिस्ट देखिए ना उस टूल पे, लिस्ट देखिए, कई यूफोरिया है, क्वालकॉम है, लिनोवो है, कई लोग ही हटाता है फास्ट बूट मोड से, जिन मोडों को आप फास्ट बूट मोड पे लेकर के जा सकते हैं जिन मोबाइलों को, ये उन सबकी एफआरपी हटा सकता है। जो नए वाले क्यू 402 है सर, जियो वाले उनके भी हटा दे गए, नहीं जियो वाले की नहीं हटा पाता है ना, जियो वाला बताया तो सरकारी वाला, वो साला सरकारी सिम से चालू होगा, उसमें घंटों लग जाएंगे। इन्होंने कंफर्म किया कि इनका सरकारी नहीं है, प्राइवेट खरीदा है इन्होंने, इसलिए मैंने इनको ये तरीका बताया था पहले का, अगर ये कई मॉडल का लेते हैं जो ओल्ड वाले एसडी थे ना पहले के, वो सब इससे होते हैं, सारे इससे होते थे। हेलो विश्वकर्मा जी, क्या हुआ सर, ऑन हो गए, मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ सर, थोड़ा सा आपका कैमरा फ्रीज पड़ा हुआ, आपका चेहरा वहीं का वहीं अटक के रह गया है, कैमरा बंद करके अपना दोबारा चालू कीजिए। ओके हाँ, अब आप दिखाई दे रहे हो करते हुए, कर रहा हूँ सर, एक हुआ या नहीं हुआ सर, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ सर, वाईफाई से कनेक्ट करने की अगर नौबत आ रही है तो फिर हुआ ही कहाँ है वो, अच्छा वहां पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा ना नीचे, नहीं आ रहा सर, फिर वाईफाई वाली जगह की जरा स्क्रीन दिखाइए हमको,
एक से जहाँ वाईफाई वाली स्क्रीन हो गया शायद सर, वही हम कह रहे हैं यार, हो तो जाना चाहिए, हो काहे नहीं रहा है। हो गया सर। आप चाहे तो इसको मिराकल से भी कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो टूल अभी आपको दिया है इससे भी कर सकते हैं। और बाकी लोग जो इस टूल को डाउनलोड कर रहे हैं, ये टूल तभी चला पाएंगे जब आपका एंटीवायरस बंद होगा, क्योंकि अगर आपका एंटीवायरस खुला होगा तो ये जैसे ही आप फोल्डर खोलोगे ये टूल डिलीट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपके एंटीवायरस की भाषा में ये टूल जो है ये एक वायरस है। क्या हुआ? चालू तो हो गया पूरा फोन? हाँ सर हो गया। हाँ मतलब मैंने दूसरा टूल इसलिए डाउनलोड करवा दिया था कि अगर मान लो इससे ना हुआ होता तो फिर मैं उस वाले से करवाता। ओके। तरीका यही है, जो आपने यहाँ पे ये बटन दबाया उस टूल को खोलेंगे तो वहां 9 नंबर दबा के एंटर मारना पड़ेगा। थैंक यू सर। जो टूल है आपका वो 90% स्पेक्ट्रम कर लेता है, और ये जो मिराकल है ये 50% कर पाता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अगर ट्राई करना होगा तो किससे करेंगे सर? ट्राई करना तो इसी टूल से करो ना, 90% तो कर ही रहा है। ओके सर। देखो अगर अगर टूल नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि अब आपको फ्लैश करना है या बाईपास करना है, क्योंकि टूल हर उन सेटों को कर सकता है जो बाईपास से नहीं होने वाले हैं। अभी करूंगा थोड़ी जो, ये जो अभी आपको मैंने फास्ट बूट रीसेट टूल दिया है ये आपके 90% स्पेक्ट्रम सीपीयू को एफआरपी रिमूव कर सकता है विद इन 1 सेकेंड। आपको सिर्फ फोन को रिकवरी मोड पे ले जा करके रिबूट टू बूट लोडर करना है। जैसे ही रिबूट टू बूट लोडर करेंगे आपका फोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। फास्ट बूट मोड पे जाते ही आपकी स्क्रीन पे एडीबी का ड्राइवर लेगा डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पे अगर ड्राइवर आ रहा है आप अपना ये टूल खोलिए और 9 नंबर दबाइए और एंटर मार दीजिए। विद इन अ सेकेंड आपकी एफआरपी रिमूव हो जाएगी। और अगर टूल ने एरर दे दिया वहां पे लिख करके आएगा एरर इन इरेजिंग और आपका फोन वापस चालू हो जाएगा। तो समझ जाइए कि अब इस फोन को आप या तो बाईपास से एफआरपी करेंगे या फिर फ्लैशिंग करके करेंगे, टूल के बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से मॉडल होंगे जिनको आप मिराकल से यूनिवर्सल एफआरपी रिमूव वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो 50% मोबाइल तो ओके हो जाएंगे, 50% मोबाइल की एफआरपी नहीं हटेगी। लेकिन इस वाले में 90% की हट जाएगी, सिर्फ 10% की नहीं हटेगी। तो बेटर कौन सा हुआ, टूल की मिराकल? टूल सर, टूल। तो इसलिए सबसे पहले आप टूल ही इस्तेमाल कर लो। पहली चीज तो जल्दी करता है और दूसरी चीज इसके इसके डिसीजन से आपको आगे का पता चल जाता है कि अब आपको फ्लैशिंग करनी है या बाईपास करोगे। ठीक है सर। मेरे पास एक सेट है लाइफ एलएस 4505। हाँ 4505 है, क्या दिक्कत है इसमें सर? ऑटो ऑन ऑफ होता है और कभी कभी ऐसा आ जाता है सर रिबूट पे आ जाता है। रिबूट स्क्रीन पे आ रहा है तो इसमें 90% हार्डवेयर की दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक बार आप फ्लैशिंग करके देख लीजिए क्यूफिल से। क्यूफिल सर, इसको सर जैसे उसमें लगाते हैं ड्राइवर पकड़ने के लिए तो उसमें कुछ नहीं, ऑन हो जाता है, डायरेक्टली ऑन हो जाता है। हाँ तो फिर इसका आईसी खराब है। एसी इसमें लगाते हैं कनेक्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हाँ तो आईसी दिक्कत कर रही है। ये ईएमएमसी या पावर से दिक्कत होती है। ईएमएमसी पावर जी। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ ले, मैं एक सेकंड कुछ बोलूंगा नहीं, जरा एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे।
बाकी जो सवाल पूछने आप सवाल पूछिए।